Hi guys, good morning and welcome back to UPSC NI. This is Nancy and I hope you all are good and working hard for your dreams. तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हुआ है सुबह सुबह 10 बजे एंड मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ एंड मैं इंस्टीट्यूट जाऊँगी अभी. और बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैं कौन से कोचिंग जाती हूँ, कौन से सब्जेक्ट के लिए जाती हूँ, लाइक GS और ऑप्शनल. तो ये सारे आंसर्स मैं वीडियो के एंड में दूंगी. तो अभी मैं कर लेती हूँ फटाफट ब्रेकफास्ट क्योंकि सुबह सुबह 10 बज चुके थे एंड अगेन मैं कोचिंग के लिए लेट नहीं होने वाली थी. मैं क्लास कुछ टाइम से लेट ही पहुँच रही थी तो मैंने इस बार सोचा था कि थोड़ा जल्दी कर लेते बट पता नहीं क्यों मैं हमेशा लेट ही हो जाती हूँ. तो अभी फटाफट कर लेते हैं ब्रेकफास्ट एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सीधे निकलेंगे क्लास के लिए एंड मे बी हमें बस मिल जाए क्योंकि ना कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी बस ही नहीं आता है. और ना मेरे घर से मेट्रो भी बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं बट ऐसे 800 मीटर के करीब है और बस स्टॉप जस्ट सामने है. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितनी देर में मेट्रो पे जाऊंगी उतनी देर में मैं करोल बाग पहुंच जाऊंगी. तो इससे अच्छा बस से ही चल रहा है एंड बस फ्री भी है लड़कियों के लिए तो ये भी एक बेनिफिट है. तो बस बहुत देर बाद इंतज़ार करने पे आ गई एंड ये मेरा आई कार्ड है एंड हमारे क्लास में ना मशीन लगा हुआ है, वहाँ पर टैप करके अंदर जाना होता है तभी हमें एंट्री मिलती है वरना हमें एंट्री नहीं मिलती. अगर बाई चांस कभी कार्ड मिस हो गया या फिर हम घर पे छूट गया, रूम पे छूट गया कार्ड तो फिर हमें एंट्री नहीं मिलेगी. तो यहाँ पे मैंने क्लास वगैरह सब खत्म कर लिया एंड वापस आ गई. तो वापस आते वक्त ना इतना ज़्यादा ट्रैफिक में फंस गई थी ना मैं, फिर मैंने सोचा कि यहीं पर उतर जाते हैं एंड थोड़ी दूर वॉक कर लेंगे तो होगा. तो जब मैं वॉक कर रही थी तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक था दूर दूर तक तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत वाइज डिसीजन था ये मेरा बस से उतरने का. एंड मौसम भी आज बहुत अच्छा हो रहा था, सुबह सुबह तो इतनी धूप हो रही थी, इतनी गर्मी हो रही थी बट अभी थोड़ा अच्छा लग रहा था. मे भी शायद आज बारिश भी हो. एंड ना आजकल मेरे क्लास में एथिक्स चल रहा है तो मैं वो सारी चीज़ें ना अपने रियल लाइफ में भी अप्लाई कर रही हूँ. तो अगर आप लोग भी एथिक्स पढ़े तो उस चीज़ को ना अपने रियल लाइफ में ज़रूर अप्लाई करें क्योंकि ना जब हम एथिक्स पढ़ते हैं एंड अपने डेली लाइफ से एग्जाम्पल लेते हैं ना तो हमें चीज़ें अच्छे से समझ आती है. क्लास से आने के बाद मैंने लंच बनाया एंड फिर खा लिया एंड उसके बाद फिर मैं इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत लेके बैठ गई. जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी क्लियर करना इतना आसान नहीं है एंड यूपीएससी के लिए स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन विद गुड फैकल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड अगर आप अच्छे से एक बार यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी पीडब्ल्यू ओनली आईएएस. एंड अभी 3 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक पीडब्ल्यू लेकर आया है मेगा ऑफर ऑन द ओकेजन ऑफ गुरु पूर्णिमा एंड अभी इनके बैचेस पे मिल रहा है वेरी हाई डिस्काउंट. PW ने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है प्रहार 2024 बैच इन इंग्लिश एट जस्ट ₹7,499. स्टार्ट हो चुका है 5 जुलाई से प्रहार 2024 बैच हिंदी मीडियम के लिए सेम प्राइस पे जो कि स्टार्ट हो चुका है 5 जून पे ऑलरेडी. संकल्प 2025 हिंदी बैच जिसकी फीस 9,499 है ऑलरेडी 12 जून को स्टार्ट हो चुका है. संकल्प 2025 इंग्लिश बैच जो कि 12 जून को ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड फीस 9,500 ही है. टाइटन 3.0 2024 इन इंग्लिश बैच जो कि 3 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है एंड जिसकी फीस 7,499 है. टाइटन 3.0 की क्लास स्टार्ट हो चुकी है 3 जुलाई से एंड ये बैच की फर्स्ट 3 क्लासेस फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पे. PW लेकर आया है ऑप्शनल बैचेस एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस एंड साथ ही साथ PW का कॉम्बो भी अवेलेबल है मेन बैच प्लस ऑप्शनल बैच एंड ये भी 8 तक आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल रहा है. और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंप्लीट 360 प्रिपरेशन हो तो सिर्फ ₹4,999 में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होगी फिजिक्स वाला के साथ. इसमें आपको मिलेंगी बेसिक ऑफरिंग प्लस प्रीमियम ऑफरिंग्स. अपने गोल को अचीव करने के लिए स्टार्ट योर प्रिपरेशन आज से एंड अभी से विथ फिजिक्स वाला. सो अगर आप प्लान कर रहे हैं यूपीएससी के एग्जाम देने का एंड अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो ये बहुत ही अच्छा मौका है. PW कोर्स परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है एंड मेरा कोड आप यूज कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट. तो आज का मेरा पॉलिटी का टारगेट है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप. तो चैप्टर्स निकाल लेते हैं एंड फिर स्टार्ट करते हैं पढ़ना. एंड एक कमेंट आया था मुझे कि पढ़ते वक्त मुझे बहुत नींद आने लग जाती है, मैं बहुत स्लीपी फील करता हूँ, बिल्कुल मन नहीं करता है पढ़ने का. तो आप क्या कर सकते हो कि आपको पहले तो अपना सबसे प्रोडक्टिव आर्ट पहचानना है कि आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव किस टाइम पे होते हैं, या तो सुबह या शाम में या रात में, तो वो पहले पहचानना है. और जब भी आप पढ़ने बैठो तो यार मैं तो कॉफ़ी पी लेती हूँ तो मुझे ज़्यादा नींद नहीं आता है एंड जब भी नींद आता है मैं थोड़ा वॉक कर लेती हूँ या बाहर टहल लेती हूँ थोड़ा सा तो नींद भाग जाता है. या आपको कभी नींद आए तो थोड़ा वॉक कर लिया करो या कुछ ऐसा सब्जेक्ट पढ़ो इंटरेस्टिंग हो जो आपको फेवरेट सब्जेक्ट हो तो जब आप स्लीपी फील कर रहे हो वो पढ़ लिया करो. और अगर फिर भी नींद आती है तो लेक्चर्स वगैरह देख के पढ़ लिया करो. मतलब देखो आपको ना अपने माइंड को ट्रिक
करना है. अगर आपको मन नहीं करना है पढ़ने का, तो आप अपने माइंड को ये बोलो कि कैसे नहीं मन कर रहा है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है. तो 10 बार बोलोगे ना तो हो जाता है. यार मैं तो यही करती हूँ, जब मुझे ऐसा लगता है कि यार पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, तो मैं अपने माइंड को ये बोलती हूँ कि नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है. 10 बार जब मैं बोल देती हूँ ना, तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ये आ जाता है कि हाँ ठीक है पढ़ना है. और फिर भी अगर ये काम ना करे ना ट्रिक ये, तो 10 मिनट का नैप ले लो और फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट करो एंड अच्छे से पढ़ो. देखो अगर हम पढ़ रहे हैं, बुक खोल के बैठे हैं, ध्यान कहीं और है, नींद हो आ रही है, तो ऐसे टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि 10 मिनट का नैप ही ले लो. दो नाव में सवार होने से क्या ही फ़ायदा है ना. सो आई होप मैंने आपका डाउट जो था वो सॉल्व कर पाई हूँ. तो इस स्लॉट में मैं कर रही हूँ रिवीजन, जो मेरे नोट्स बने हुए हैं उस चीज़ का. एंड ये नोट्स मेरे पॉलिटी का ही है. आजकल मैं रोज़ आंसर राइटिंग लिखती हूँ, एक एक दो दो क्वेश्चन रोज़ ही लिख रही हूँ. तो मुझे ऐसा होता है कि रोज़ रिवीजन चाहिए होता है. एंड फिर संडे संडे को डिस्कशन हो जाता है हमारे फ्रेंड्स में. तो इससे क्या होता है कि रोज़ का रोज़ आंसर राइटिंग भी हो जाता है, इवैल्यूएशन भी हो जाता है. तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई पीयर ग्रुप है तो आप लोग भी कर सकते हो, और अगर नहीं है तो फिर यार टेलीग्राम में बहुत सारे ग्रुप्स अवेलेबल है जो आंसर राइटिंग को चेक करते हैं एंड एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनका चेक करो. तो आप ऐसे करके कर सकते हो. अगर फिर भी नहीं हुआ तो शायद इनसाइट IAS में आप डेली आंसर अपलोड कर सकते हो. शाम के 7:30 बजे के करीब मैंने पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दिया था एंड मैं बाहर आ गई घूमने के लिए. शाम में आजकल मेरा ऐसा हो रहा है कि मैं रोज़ मंदिर जाती हूँ एंड वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ. एंड कभी कभी ना मुझे प्रसाद भी मिल जाता है, आज जैसे कि बूंदिया मिला था. एंड यार जो सुकून मुझे यहाँ पे मिलता है ना, वो सुकून कहीं पे भी नहीं है यार. एंड लिटरली ये भी एक मेडिटेशन की तरह ही है. मुझे इसके अलावा पहले मैं मेडिटेशन करती थी मॉर्निंग में, बट अब जब से मैं मंदिर आके हनुमान चालीसा पढ़ने लग गई हूँ, तब से मैंने मेडिटेशन सुबह करना छोड़ दिया है. एंड जो पॉजिटिव वाइब आती है हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद, यार अल्टीमेट लेवल है वो. मंदिर से आने के बाद मैंने 10 मिनट का ब्रेक लिया था एंड फिर पढ़ने बैठ गई थी, क्योंकि सडनली मंदिर से आओ घूम फिर के आओ, फिर मुझसे पढ़ा नहीं जाता, 10 मिनट का ब्रेक मुझे चाहिए ही चाहिए होता है. तो अब मैं बताती हूँ कि मैंने कौन सा कोचिंग ज्वाइन करा है. तो बेसिकली मैंने शुभ्रा रंजन ज्वाइन करा है GS के लिए, ऑप्शनल के लिए नहीं. मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, मैंने GS के लिए ज्वाइन कर रखा है. मैंने ऑप्शनल के भी ज्वाइन करा था बट मुझे इतना प्रोडक्टिव नहीं लगा वो चीज़ें, तो मैंने अब सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दिया था ऑप्शनल का. एंड GS का मैं शुभ्रा रंजन में कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है. देखो मेरे इतने एक्सपीरियंस से मैं ये बता सकती हूँ कि अगर आप सेल्फ डिसिप्लिनड हो एंड आपको लगता है कि आप सारे प्रिपरेशन खुद से कर सकते हो यूट्यूब की हेल्प से, तो कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है यार. ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं लाइब्रेरी जाने के लिए रेडी हो गई थी रात की. एंड मैं रात में ऐसे ही 10 बजे के अराउंड लाइब्रेरी जाती हूँ. तो अब मैं लाइब्रेरी जाऊंगी एंड वहाँ जाके फिर अपना नेक्स्ट स्लॉट जो भी मेरा आज का रात का टारगेट होगा वो करूँगी. एंड मैं यहाँ लाइब्रेरी पहुँच गई. तो फाइनली इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा. एंड मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर कर रही हूँ, और न्यूज़पेपर मैंने रात को चूज़ करा था क्योंकि न्यूज़पेपर में सुबह सुबह बुरी बुरी खबरें पढ़ लेती थी ना, तो मेरा सर घूम जाता था, तो इसलिए मैंने रात में शिफ्ट कर दिया. तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग.